यहाँ पे अपन को प्रॉब्लम क्या देखी है, इन्हें एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी द बेस बीसी एज द इक्वेशन दिस, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर एच एंड सर्कम सेंटर, यहाँ पर ये एक बार लिखता हूँ मैं, इस सर्कम सेंटर एक्चुअली ये पी दे रखा है यहाँ पर ऑफ ट्रायंगल इज, उसके कोऑर्डिनेट अपन को दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल इज दिस, जो अपन को सर्कमस्क्राइबिंग जो ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल होता है उस ट्रायंगल का उसकी रेडियस इतनी दे रखी है, एम और एन रिलेटिवली प्राइम है तो अपन को एम प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, और अपन ये फॉर्मूला यूज करता है कर सकता है डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ये होता है। तो अगर तुम्हें यहाँ पर जो बेस बीसी की इक्वेशन है वो तुम्हें क्या दे रखी है, 4x - 3y + 3 = 0, तो ये अपना ए है, ये बी है, ये सी है, और अपन को इसकी इक्वेशन दे रखी है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ अपना है सर्कम सेंटर, तो यहाँ से इस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, आर टाइम्स कॉस ए, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहाँ से निकालू तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी, 2.3 मेरा सर्कम 2.3 मेरा क्या सर्कम सेंटर है, तो यहाँ पे 4 × 2 - 3 × 3 + 3 और अंडर रूट ऑफ 4² + 3² ये हो जाएगी, ये आर कॉस ए। और वैसे ही अगर यहाँ पे मैं मान लो मेरा एच यहाँ पर है तो मैं एच से निकालूं तो ये एच की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है, 2r cos b cos c, यानी मेरा जो ऑर्थो सेंटर है उससे इसकी डिस्टेंस ये 2r cos b cos c हो जाएगी, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 4 × 1 - 3 × 2 + 3 और अंडर रूट ऑफ 4² + 3² तो मेरे पास ये आ गया। अब मुझे ये भी पता है कि डिस्टेंस बिटवीन इन इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रूट टू है, जो कि मेरे पास ये आ रही है cos a cos b एंड cos c, तो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास 2 = r² - 8 × r² cos a cos b cos c आने वाला है, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं इसको और इसको तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 2r² cos a cos b cos c की वैल्यू, तो अगर वो देखेंगे तो कितनी आएगी, तो वो यहाँ से अगर अपन चेक करें तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, तो ये यहाँ से चेक करोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 1/5 आ रही है और ये वाली डिस्टेंस 2/5 आ रही है, तो ये एक्चुअली में 2/25 आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू देखे तो 1/25 आ रही है, तो यहाँ पे मैं पुट करूँ तो 2 = r² - 8 × और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास आ रही है 1/25, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास जो आर स्क्वायर है वो एक्चुअल में 58/25 आ रहा है, तो जो मेरे पास आर आ रहा है वो अंडर रूट ऑफ 58/5 आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता है, और m और n रिलेटिवली प्राइम है, तो यहाँ पर अपन देखे तो यहाँ पे 58 + 5 = 63 अपना आंसर आ जाएगा, तो m प्लस n की वैल्यू पूछी थी तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई क्वेरी हो तो पूछना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।